हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए ये सेम प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप का, डेस्कटॉप का या अपने स्मार्टफोन का ब्राउज़र ओपन करेंगे। देन यहाँ पर गूगल फिल कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन राइट हैंड साइड पर देखिए साइन इन आ रहा है, साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो मैंने डिफरेंट आईडीज़ लॉगिन करी हैं यहाँ पर शो कर रहा है। तो फिलहाल जिस आईडी का मुझे पासवर्ड रिकवर करना है, डेट वन इज़ लास्ट आईडी अरुण संधू 2018, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देन आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए कह रहा है पासवर्ड एंटर करें। सो फिलहाल मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा। देन आफ्टर डैट यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको पासवर्ड रिमेंबर है तो यहाँ पर फिल कर दें। फिलहाल नहीं है मुझे, मैं कोई अनदर वे यहाँ से ट्राई करता हूँ। देखिए मेनली आप दो वे से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। एक तो आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर ईमेल आईडी में फिल्ड होना चाहिए। देन आपकी जो रिकवरी ईमेल आईडी है वो भी इसमें फिल्ड होनी चाहिए। वो कैसे फिल करेंगे उसका जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख कर अपनी ईमेल आईडी में दोनों थिंग्स ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फ़ोन नंबर, सेकेंड वन इज़ योर ईमेल आईडी। सो फिलहाल यहाँ पर देखिए रिकवरी के लिए कह रहा है कि आप अपने जो फ़ोन है जिसके लास्ट में 93 है उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड होगा। सो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप अपने उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ। देन जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देन आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जैसे जो मेरा फ़ोन नंबर है जिसके लास्ट में 93 है, उस पर एक फ़ोन पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो कि यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आफ्टर फिलिंग आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो नया पासवर्ड आपने फिल करना है यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगेन री एंटर कर दीजिए। देन आफ्टर यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ से नेक्स्ट विंडो आएगा। यहाँ से कह रहा है कि ये जो आईडी आपकी साइन इन हो गई है और कुछ डिवाइसेस में ये फ़िलहाल लॉगिन नहीं है, नो साइन फॉर कहीं और रिसेंट एक्टिविटीज है उसमें लॉगिन है, और दिस वन लास्ट साइन इन एंड रिकवरी के लिए यहाँ बता रहा है। सेकेंड आप मेथड जो है वेरीफिकेशन वो शो कर रहा है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर मेरी ईमेल आईडी फिलहाल लॉगिन हो गई। यहाँ से आप जीमेल पर क्लिक कर दीजिए। जब आप जीमेल पर क्लिक कर देंगे देन आप अपनी जो जीमेल आईडी है डायरेक्टली उसके अंदर चले जाएंगे। ना उसमें आप जो भी आपकी रीसेंट ईमेल्स वगैरह या पुरानी ईमेल्स देख सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं। सो ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं उसको यहाँ से साइन आउट कर रहा हूँ आईडी को। अगेन सेम प्रोसेस, जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर डैट फॉरगेट कर दीजिए। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन फॉरगेट इसको भी ट्राई अनदर वे कर देते हैं। देन ये जो फ़ोन नंबर वाला प्रोसेस था ये हमने कर लिया। तो अगर आपके पास फ़ोन ना हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आई डोंट हैव माई फ़ोन। देन इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो आपकी रिकवरी ईमेल आईडी है उसके स्टार्टिंग में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं। सो मैं यहाँ से पहले वो आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ से आप उसको लॉगिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से उसको साइन इन लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसका पासवर्ड फिल कर देते हैं। देन यहाँ पर जब आप आईडी का पासवर्ड फिल करेंगे यहाँ पर देखिए आईडी मेरी फिल्ड होगी। यहाँ से मैं इसको जीमेल में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं जो वेरिफिकेशन कोड है सेंड कर देता हूँ, तब तक मेरी वो ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। अब देखिए जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है वो इस आईडी पर सेंड कर दिया गया है जो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया अरुणा संधू वाली। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा होगा अपडेट्स में होगा, मैंने कुछ यहाँ सेटिंग किया कि डायरेक्टली अपडेट्स में आएगा। यहाँ पर देखिए आ गया पहले से वेरिफिकेशन कोड, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो पहले भी मैंने आईडी का पासवर्ड रिकवर किया था उसमें भी कोड आया था, फिलहाल दिस वन इज सेकेंड कोड। उसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा या कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। देन आफ्टर डैट प्रीवियस टैब में जाएंगे, यहाँ पर वो कोड एंटर कर देंगे, फिल्ड कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट सेम विंडो यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, आप पासवर्ड फिल करेंगे, उसको री एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देन आपका जो आईडी है लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। अगर आप सिक्योर्ड पासवर्ड देना चाहते हैं उसके लिए 3 थिंग्स का कम्बिनेशन चाहिए। सो फिलहाल यहाँ पर पासवर्ड नहीं उठा रहा, चलिए नया देते हैं। जो आपने प्रीवियस पासवर्ड दिया उसको फिर से फिल करेंगे तो एरर शो करेगा, इसके लिए आप नया पासवर्ड ही फिल करिए, मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ।
देन देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यू टू जीमेल कर दीजिए, यहाँ पर मैसेज शो कर देगा यू आर साइन इन। देन आफ्टर दैट सेम वही प्रोसेस है, यहाँ आपकी ईमेल आईडी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अगर आपकी आईडी डायरेक्टली ओपन ना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस आए तो ऐसे इंटरफेस आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीमेल पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज ये जो 9 डॉट्स हैं यहाँ पर जाकर जीमेल में क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड्स बताए, और दो मेथड्स अगर आपकी ईमेल आईडी में सेव नहीं है तो आप कैसे करेंगे, उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के एडिशन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें, सो डैट वो भी इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग अवर वीडियो।